हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु मनीष में और मैं हूं एमके एक्सपर्ट। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रोले प्रमेय। देखिए रोले प्रमेय यानी रोल्स थ्योरम के बारे में। देखिए रोल्स थ्योरम है क्या, तो रोल्स थ्योरम जो होता है, इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा है कंटिन्यूटी यानी संतत, ठीक है, और इसके बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी पढ़े हैं, तो आज जो है हम उसी के बारे में कुछ और भी जानकारी उससे आगे चलेंगे। देखिए आपका जो रोल्स थ्योरम कहता है उसके अनुसार कुछ बातें यहां लिखी गई है, ठीक है, और इसको जो है फॉलो करेगा जो फंक्शन, वह जो है रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखिए इसको मतलब इसमें कौन कौन सा जो रूल है उसको समझते हैं। देखिए रोल्स थ्योरम के अनुसार कोई भी फंक्शन हम एफएक्स लेते हैं, कोई भी फंक्शन लेंगे, ठीक है, यदि वो फंक्शन जो अंतराल दिया गया है, जो अंतराल दिया हुआ रहेगा ए बी, कोई अंतराल दिया हुआ रहेगा, उस अंतराल पर सबसे पहली बात तो परिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए, यानी उसका वैल्यू जो है दिए गए अंतराल पर अपरिभाषित नहीं होना चाहिए, ये आपका इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि वह फंक्शन जो है दिए गए बंद अंतराल पर ए बी पर, दिए गए अंतराल पर जो है संतत होना चाहिए। अब संतत होने के लिए क्या है आपको मालूम है, सबसे पहले तो संतत होने के लिए बताया गया था कि एल एच एल का मान, आर एच एल का मान और एफ ए का मान, तीनों के तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो फंक्शन जो है आपका क्या होगा, संतत होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। और दूसरे तरीके से ग्राफ के बारे में बताया था आपको कि ग्राफ में जो है आपको संतत यदि देखना है तो क्या करना होता है उसके लिए, कि जो फंक्शन दिया गया है, ठीक है, उस फंक्शन पर जो मान आप रख रहे हैं, वो मान रखने से जो आपका वक्र बन रहा है यानी ग्राफ बन रहा है, वो ग्राफ में कहीं टूट नहीं पड़ना चाहिए। टूट नहीं पड़ना चाहिए कहने का क्या मतलब है कि उसमें कहीं पर जोर नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक बार यदि आपने कलम रखा और उसके पूरे के पूरे वक्र को ड्रॉ कर लेते हैं आप बिना कलम उठाए, बिना कलम को रोके, ठीक है, तो वो ग्राफ जो होगा आपका क्या होगा, संतत होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो संतत होने के लिए ये बता दिए थे आपको। फिर आपका कहता है अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल। देखिए तो डिफरेंटेबल कब होगा कि जब आप जो फंक्शन आपने ड्रॉ किया, ठीक है, उस फंक्शन में यदि आप देख रहे हैं कि कहीं पर कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का मतलब परिवर्तन ही होता है, तो उस ग्राफ में यदि कुछ परिवर्तन हो रहा है, ऊंच नीच कहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये ग्राफ जो है आपका, ये फंक्शन जो है आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वह आपका अवकलनीय होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात, यहां चौथी बात यह है कि वो दोनों फंक्शन पर जो है, जो आपका दिया गया मान है, जो अंतराल दिया गया है, उसमें दोनों अंतराल का मान रखने से फंक्शन का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वैसी स्थिति में जो है किसका प्रमेय लागू होता है, रोल्स थ्योरम लागू होता है, ठीक है। और रोल्स थ्योरम जब लागू होता है तो आइए कुछ ग्राफ को भी हम समझे कि जैसे सबसे पहला आपका कह रहा था कि वो फंक्शन जो है ए बी अंतराल पर परिभाषित होना चाहिए यानी इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स बाई सॉरी फाइव बाई एक्स मान लीजिए और एक्स टेंस टू जीरो आप रख लेते हैं, मान लीजिए कि एक्स की जगह पर जीरो रख देते हैं, जैसे ही जीरो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो इस तरीके का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का फंक्शन जो है आपका संतत फंक्शन नहीं होता है, ठीक। चलिए तो अब देखते हैं कि इसमें जो है ग्राफ आपका क्या कह रहा है। देखिए मान लेते हैं कि इस तरीके का कोई फंक्शन है आपका, दिया गया फंक्शन आपका एक परवलय है, पैराबोला है, और इस फंक्शन में यदि आप देखते हैं इसके ग्राफ को, तो इसका ग्राफ क्या है, अंतराल ए से बी में, अंतराल ए से बी में क्या है, ये देखिए ए से बी में क्या है, यहां से शुरू हुआ और ऐसे करके जो है ऐसे टर्न होके यहां तक आ गया, यानी अंतराल ए से लेकर बी तक में दिया गया फंक्शन जो है आपका क्या है, संतत है। कहीं पर भी इसके ग्राफ में कोई टूट आपको नहीं दिख रहा है, एक बार जो है पूरा का पूरा ऐसे ड्रॉ किया गया है, कहीं पर भी इसमें टूट नहीं पड़ रहा है। तो आपका ए से बी में जो है दिया गया फंक्शन क्या है, संतत है। और इसके बाद ये आपका अवकलनीय भी है। कैसे अवकलनीय है, क्योंकि देखिए इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे वैल्यू रख रहे वैसे वैसे कुछ परिवर्तन हो रहा है। देखिए परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन जब हो रहा है तो इस तरीके से कह सकते हैं कि यह फंक्शन आपका क्या है, अवकलनीय भी है, ठीक है। तो जब यह फंक्शन आपका संतत है, अवकलनीय है, तो तीसरा पॉइंट जो है एफ ए बराबर एफ बी, देखिए यहां से चालू हुआ और फिर जो है यहीं जाके खत्म हो गया, यानी इस मान यहां पर जो है ए के जगह पर यदि आप रखते हैं मान लीजिए, तो जितना मान यहां दे रहा है उतना ही बी के जगह पर रखने पर भी मान दे रहा है। इसका मतलब है कि एफ ए और बराबर क्या हो गया आपका, एफ बी। एफ ए बराबर क्या हो गया,
एफबी। तो इस तरीके से जो है जब एफ ए बराबर एफबी हो गया तो ये फंक्शन जो होगा आपका, ये फंक्शन आपके रोले के प्रमेय को सत्यापित करेगा, यानी उस पर रोले का प्रमेय लागू होगा। देखिए सेम चीज हम एक और ग्राफ नीचे ड्रॉ किए हैं, यहां देखिए कि वही बात फिर से है, ए से बी पर जो है दिए गए फंक्शन आपका एकदम संतत दिख रहा है, आपको कंटिन्यू दिख रहा है, देखिए कंटिन्यू दिख रहा है, और उसी ए से बी पर जो है ये आपका डिफरेंशिएबल भी है, देखिएगा यहां से कुछ परिवर्तन हो रहा है ऐसे, पर है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं, और हाँ ये एफ ए बराबर एफ बी भी आपको दिख रहा है, जितना एफ ए का मान है ए बिंदु पर जितना मान है उतना ही मान बी बिंदु पर है, ठीक है। तो ये दोनों मान जो है आपका एफ ए बराबर क्या हो गया, एफ बी हो गया। तीसरा देखिए यहां पर है, देखिए ए से लेकर बी पर जो है आपका ये फंक्शन देखिए संतत है, ऐसे गया, कहीं पर भी कोई टूट नहीं है इसमें, ठीक है। तो एफ ए बराबर सॉरी ये ए और बी पर जो है ए से लेकर बी पर दिया गया फंक्शन आपका क्या है, संतत है, और ए से बी पर जो है ये अवकलनीय भी है क्योंकि इसमें कुछ परिवर्तन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका अवकलनीय भी है। तो फिर इसके बाद एफ ए बराबर एफ बी भी आपको दिख रहा है क्योंकि ए पर जो है यहाँ एक्स एक्स पर है और फिर बी वाला भी जो कहाँ है एक्स एक्स पर है, तो जितना मान यहां होगा देखिए ना उतना ही आपका यहां होगा। बस समझ में आ रहा है, हमेशा यदि देखा जाए तो यहाँ एफ ए बराबर एफ बी यानी ए रखने पर भी एक्स का ये पूरे फंक्शन में यहाँ जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए कहता है कि यदि ये तीनों के तीनों चार ये बात लागू हो जाता है किसी भी फंक्शन पर, पहले तो ये आपका परिभाषित होना चाहिए पक्का, इसके बाद ये आपका संतत होना चाहिए। हाँ बंद अंतराल और खुले अंतराल का मतलब आपको मालूम है, बंद अंतराल का मतलब होता है पकड़ के और खुले अंतराल का मतलब होता है छोड़ के, ठीक है। अब पकड़ के क्या होता है, देखिए जैसे ए और बी की बात कर रहा है कि ए और बी बिंदु ए और बिंदु बी में बंद अंतराल, तो यहां पर हो गया कि ए और ए से लेकर बी तक माने ए को भी पकड़ लीजिए और बी को भी पकड़ लीजिए, ये पूरे के पूरे इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां खुले अंतराल का मतलब होता है कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच यानी यहां देखिए यहां ए जो आप दिख रहा है यहां ए से और बी से, तो ये संतत होगा यहां से लेकर यहां तक, माने ये दोनों बिंदु इसमें शामिल होगा। लेकिन यदि खुले अंतराल का मतलब समझा जाए तो इसमें ये छोड़ दिया जाएगा, ये छोड़ दिया जाएगा, इसके बीच जितने भी बिंदु है इस पर जो है आपका क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो खुला अंतराल और बंद अंतराल का मतलब समझ में आ गया आपको। यदि किसी फंक्शन में ये सारी बातें लागू होती है तो वो फंक्शन जो है आपका रोल्स थ्योरम को लागू करेगा, और रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि यदि ऐसा होता है, यदि किसी फंक्शन में ये होता है कि वो परिभाषित भी है, वो संतत भी है, वो आपका अवकलनीय भी है और एफ ए बराबर एफ बी भी है, तो ए और बी के बीच कुछ ऐसे बिंदु सी होंगे, इस ए और बी के बीच कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे बिंदु कहने का क्या मतलब है कि एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा दो भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे बिंदु सी होंगे जिस पर जो है उसके डिफरेंशिएशन का मान, डिफरेंशिएशन कहने का क्या मतलब है कि उसके स्लोप का मान, उसके ढाल का मान, ठीक है, उसके टेंजेंट का मान कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो जिस बिंदु पर उसका मान जीरो के बराबर होगा वही बिंदु, देख लीजिए एक बिंदु ऐसा होगा, सॉरी कुछ बिंदु ऐसा होगा जिस पर उसका वैल्यू कितना के बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, यानी एफ डैश सी बराबर क्या होगा, जीरो होगा। तो आपसे पूछेगा कि वो सी का मान क्या है, वह बिंदु का मान क्या है, ठीक है। रोल्स प्रमेय को लागू करके कहेगा कि उस बिंदु का मान क्या है, उस सी का मान क्या है, तो सी का मान आसानी से निकाल लेंगे, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिफरेंशिएशन करके आसानी से जो है सी का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, हाँ देखिए तो इसमें एक ही बिंदु यहां पर मान लीजिए कि सी होगा, ठीक है, इसमें एक बिंदु यहां सी होगा, ठीक है ना, ऐसे करके आ रहा है, यू टर्न ले रहा है यहां से, एक बिंदु यहां सी होगा, इस पर जो है इसका मान जीरो के बराबर होगा क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर है, देखिए ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो टेंजेंट यानी टेन थीटा का मान कितना के बराबर हो गया, जीरो के बराबर, ठीक है। अरे दो समांतर रेखाओं के बीच जो है सॉरी थीटा का मान जीरो के बराबर होगा ना, तो टेन जीरो बराबर कितना हो जाता है, जीरो ना, तो उस समय स्लोप का मान तो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां देखिए इस पॉइंट पर, यहां सी है ना, इस पॉइंट पर यदि आप स्लोप देखते हैं इसका ऐसे जा रहा है एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है ना, जब ये समांतर जा रहा है तो फिर वही बात हो गया ना कि टेन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन आपका जीरो हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों में आपको एक एक बिंदु दिख रहा है ऐसा, लेकिन इसमें आपको ऐसा दो बिंदु दिख रहा है, एक यहां पर देखिएगा यहां पर और एक यहां पर, है ना। मान लीजिए ये आपका सी वन हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी टू हो गया। तो इस तरीके से हम जो कुछ बिंदु लिखे थे इसलिए लिखे थे कि एक बिंदु भी हो सकता है और एक से ज्यादा बिंदु भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बिंदु भी हो सकता है, एक से ज्यादा बिंदु भी हो सकता है।
सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे आप सभी पूरे, ये जितने भी हमने यहां पर ड्रॉ किया है फिगर सबको नोट कर लीजिएगा, फिर इससे आगे की बात अब करेंगे हम और इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे।